दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि छठ पूजा का पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा का क्या विशेष महत्व होता है। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। बताया जाता है मुख्य रूप से ये पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। महापर्व 4 दिनों का होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले दिन को नहाए खाए रखा जाता है, दूसरे दिन पर खरना और तीसरे दिन पर संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन पर आता है उषा अर्घ। ये 4 पर्व करके लोग छठ मैया की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग इस पर्व को देखने के लिए घाट पर जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके घर पर इस पर्व को बड़े धूमधाम और साफ सफाई से मनाया जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये पर्व इस साल पहली बार मनाया जाएगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नहाए खाए की। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान करती हैं और पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण करके इस छठ व्रत की शुरुआत करती है, और पूजा करने के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। कहा जाता है व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं नहाए खाए के अगले दिन रखा जाता है खरना। दोस्तों छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर का उपवास खोलती हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ। दोस्तों ये माँ पर्व का सबसे प्रमुख दिन होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। व्रती अपने घर में सुबह से ही घाट जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। घर के सभी लोग पवित्रता के साथ पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं, और पूजा की टोकरी में नाना प्रकार के फलों को रखा जाता है और साथ में ठेकुआ जो कि मेन प्रसाद बनाया जाता है, और शाम से पहले सिर पर प्रसाद का दौरा लेकर घर के सभी लोग घाट पर पहुँचते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में शुद्धता का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और अब जानिए कैसे इस पर्व के चौथे दिन को मनाया जाता है उषा अर्घ। पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। पारण मतलब खोला जाता है व्रत। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित नारायण सूर्य को अर्घ देती है, और सूर्य भगवान और छठी मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। दोस्तों इस पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, जल और प्रसाद से व्रत का पारण करती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप सभी को जय छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं।